नमस्कार, मेरा नाम स्नेहलता, शो है RRR और रोडवेज के सफर की जिम्मेदारी मैंने ली है। कैमरे के पीछे मनीषा और सामने मैं कोशिश ये करूंगी कि हरियाणा के सोनीपत से यात्री यहाँ अपना बस पे चढ़ करके सफर शुरू करते हैं, उनके मन में क्या है भाई, वो क्या सोच रहे हैं। बिना देर किए शुरू करते हैं आज रोडवेज का सफर। तो भाई ये बस है सोनीपत हरियाणा ट्रेवल, और यहाँ जरा जाने कि 24 चुनाव के लिए हरियाणा वालों ने पिछली बार की तरह 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी को दी थी, इस बार कुछ बदलाव करेंगे कि वही चलेंगे? सोच रहे हैं जी कि ठीक है सरकार। बेटियों की सुरक्षा की बात होती है, वाकई होती है, कुछ काम होता है? बिल्कुल भी नहीं होता हरियाणा में, तो बिल्कुल भी नहीं चलता। खट्टर सरकार बढ़िया नहीं है। और मोदी सरकार? केंद्र में मोदी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे खट्टर की सरकार अच्छी नहीं। बताएंगे कुछ मोदी सरकार को लेके? अच्छी नहीं है सरकार। भैया आपको क्या लगता है? मोदी 400 पार इस बार। 400 पार? 400 पार हरियाणा की 10 की 10 की 10 की 10 की 10। क्यों? विकास इतना किया है। क्या विकास हो गया है? फ्री में नौकरी देना आ रहा है। 24 के लिए कौन? कांग्रेस। कांग्रेस सही है। वजह इसकी? वजह क्या है, मतलब हम तो चाहते हैं कांग्रेस को। एकदम सपाट आप लोगों ने बीजेपी को जिताया था पिछली बार, इस बार क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस। इस बार कांग्रेस सही लग रहा है? एक का लग रहा है, मोदी लग रहा है। इतनी नाउम्मीदी विपक्ष से क्यों? ना ना, आज तो उम्मीद ही तो थी, कोई नहीं तो फेल करके ना देश ने। आप बताएं जी। कांग्रेस। कांग्रेस बीजेपी से अच्छी लगती है इसलिए? हाँ अच्छी। तो कौन प्रधानमंत्री कौन बनेगा उनकी ओर से? प्रधानमंत्री कौन बनाएगा? ये बनाएगा राहुल गांधी। राहुल गांधी ठीक लगते हैं? हाँ। क्या अंकल, राहुल गांधी प्रधानमंत्री ठीक लगेंगे? कौन लगते ठीक है? क्यों? मोदी। आप लोगों पे बहुत भरोसा है, लोगों को ऐसी ड्राइविंग करते हैं? ड्राइविंग अच्छी है जी, मोदी की सरकार आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बढ़िया सरकार है। तो भाई सोनीपत बस स्टैंड है, और अब ज्यादा वक्त तो है नहीं 24 चुनाव में, सोनीपत वाले क्या सोच रहे हैं, किसे दिल्ली भेजेंगे? मोदी सरकार जो है ना, ये बहुत अच्छी सरकार है, और ये मोदी को ही आना चाहिए, 5 साल नहीं 10 साल और आना चाहिए। ये बताइए कि इस बार क्या सोचे हैं? पिछली बार तो पूरे हरियाणा से 10 की 10 सीटें आप लोगों ने बीजेपी के नाम कर दी, इस बार क्या है कहानी? कभी 10 से 10 आऊंगी। सोनीपत में क्या माहौल है? सोनीपत में बहुत अच्छा है। किसके लिए अच्छा है? बीजेपी के लिए अच्छा है। कोई चांस? 10 में 10 जी, 10/10। 10/10 किन्ने? बीजेपी को। आप लोग बताएं, मोदी सरकार को फिर से चुनने की सोचे हैं सोनीपत वाले कि कुछ और ले आएंगे? हाँ जी, फिर बिल्कुल फिर से चुनेंगे मोदी सरकार। यहाँ से तो बड़े नेता आते हैं, भूपिंदर सिंह हुड्डा को आप लोगों ने क्या मतलब हरा ही दिया एकदम। हाँ जी। क्या लग रहा है सोनीपत वाले क्या सोच रहे हैं? बीजेपी का ही माहौल है। माहौल है, वजह क्या है? बस थोड़ी पारदर्शिता हुई है हर एक चीज में। तुम्हारे वोट के इंतजार में तमाम नेता, सोनीपत वाले क्या सोचे? बीजेपी इसीलिए अच्छा है। क्या अच्छा है? अच्छा है, वे टाइम पे सारे काम करते हैं। अच्छा ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है? इस बार मोदी सरकार। इस बार कितनी बार? श्री राम। जय श्री राम। भूपिंदर हुड्डा? कोई नहीं, मोदी ओनली, मोदी का चेहरा चलेगा। मोदी सरकार बेस्ट सरकार है, सबको निष्पक्ष नौकरी मिली रही है, किसी को गरीब परिवार भी उठ के ऊपर जा रहे हैं, उन परिवार से पूछो जिनको खाने रोटी खाने का साधन नहीं था, अब देखो सब उन्हें रोजगार पे खड़े हैं, उनको पूछो, बहुत अच्छी सरकार है, हम तो कहेंगे आगे भी आनी चाहिए। क्यों सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। किया सोनीपत के लिए? क्या किया? सब कुछ किया सोनीपत के लिए, क्या नहीं किया? सोनीपत के लिए ये किया बीजेपी सरकार ने, ये बस अड्डा देख लो, अरे भाई इतना पानी देख लो, पानी देख रहे हो, कुछ गंदगी होगी तो कुछ अच्छाई भी गिनवाओ, उन्हें गरीब परिवार समझाए, वो नहीं देखते आप। वैसे जैसे पिछले चुनाव में सोनीपत की जनता ने कुल मिलाकर के जनादेश सुनाया और भारी अंतर से कांग्रेस को हराया, इस बार जनता का मूड कांग्रेस के लिए पॉजिटिव होता है या फिर मोदी के लिए, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन रोडवेज का सफर RRR में स्नेहलता के साथ बस इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।